दोस्तों, यूँ तो नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी हिंदी वेब सीरीज रिलीज की गई हैं, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो कि एक्चुअल में नेटफ्लिक्स की जान है, और इनमें से हो सकता है कि आपने बहुत सारी सीरीज मिस्ड भी कर दी हो। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्हें भी मूवी रिव्यू या फिर मूवी न्यूज में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, वो प्लीज मेरे मूवी रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, अ सुटेबल बॉय। सीरीज बेस्ड है रोमांटिक ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है 1951 से, जहां पर इंडिया को नई नई आज़ादी मिली हुई रहती है, और इसी बीच एक लव स्टोरी को इस पूरे वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। ये कम्प्लीट सीरीज एक्चुअल में एक नॉवल से ली गई है, जिसे लिखी गई थी 1993 में विक्रम सात के द्वारा। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6। नंबर 9, क्राइम स्टोरीज इंडिया डिटेक्टिव। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज के टोटल 9 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं, और हर एक एपिसोड्स में आपको नई नई कहानियां और नए नए क्राइम्स नजर आने वाले हैं, जो कि सच्ची घटना पर आधारित सीरीज या मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। हर एक क्राइम स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना से ली गई है। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 8, नवरसा। सीरीज बेस्ड है रोमांटिक ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के टोटल 9 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं, और हर एक एपिसोड्स में आपको नई नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स नजर आने वाले हैं, और हर एक कहानी एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर बनाई गई है। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। नंबर 7, अरण्यक सीजन 1। सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अचानक से ही एक टीनेज लड़की की डेड बॉडी जंगल में पाई जाती है, और इसी मर्डर मिस्ट्री को कंप्लीट सीरीज में सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। नंबर 6, प्रभा कंदिगल सीजन 1। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज के टोटल 4 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं, लेकिन हर एक एपिसोड आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। ये सीरीज स्पेशली हमारे सोसाइटी के कुछ डार्क साइड को दिखाती है। इस सीरीज में कुछ ऐसे लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है जिनकी सोच अभी भी बहुत पुरानी है, और वो नई चीजों को अपनाने में बहुत ज्यादा डरते हैं, और इसी बात को इस पूरे सीरीज में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। 4 एपिसोड्स, 4 कहानी, और चारों कहानी आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.1। नंबर 5, रे सीजन 1। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के टोटल 4 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं, और हर एक एपिसोड्स में आपको नई नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स नजर आने वाले हैं, और हर एक कहानी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। किसी एपिसोड में आप कुछ लोगों को ठगते हुए पाएंगे, तो किसी एपिसोड में आप लोगों को प्यार करते हुए पाएंगे। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है यह कंप्लीट सीरीज। हर एक एपिसोड आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 4, माय सीजन 1। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक माँ से जो कि अचानक से ही अपनी बेटी को खो देती है, यानी कि उनकी बेटी मारी जाती है। लेकिन अचानक से ही कुछ दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी एक्चुअल मरी नहीं बल्कि मार दी गई है, और फिर वो निकल पड़ती है अपनी बेटियों के कातिल को खोजने के लिए। और लास्ट तक माय अपने इस मकसद को किस तरह कंप्लीट करती है, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 3, हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बरारी डेथ। सीरीज बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है, और ये एक्चुअल में द बरारी केस के ऊपर बेस करके बनाई गई है, जिसमें एक परिवार समूह आत्महत्या करती है, और असल में इस आत्महत्या के पीछे क्या कारण छिपा हुआ रहता है, इसी को रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4। नंबर 2, शी सीजन 2। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है भूमि से, जिसे फिर से एक डेडलीस्ट टास्क दिया जाता है, और उस टास्क को वो किस तरह कंप्लीट करती है, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की एंडिंग आपको बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगने वाली है। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.3।
और लास्ट और नंबर वन पर हम बात करेंगे दिल्ली क्राइम सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में आप देख पाएंगे निर्भया केस और इस निर्भया केस को किस तरह सॉल्व किया गया था, इवन इस केस के अपराधियों को किस तरह सजा मिली थी, ये सारी चीजें इस पूरे वेब सीरीज में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है, इवन इस सीरीज में असली चीज को ही असली तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर, IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा और इसी तरह के अमेजिंग रिव्यूज के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, गुड बाय।